मिश्रपली एम आई एन जिला कन्वीनर पूर्वी चंपारण बिहार। अभी हम लोग जीवधारा इजराइल नाम का जो लड़का है जिसका मिट्टी में हादसा हुआ, यानी अपने दोस्त के घर ये मोबाइल चार्ज करने जा रहा था और बजरंग दल के कुछ लड़कों ने इसको रोक करके रास्ते में और इससे जबरन जय श्री राम बुलवाने के लिए मजबूर किए। जब नहीं बोला तो इसके गला भी लेते सर में भी चाकू मारे हैं। बिहार सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिहार सरकार इस मामले को जल्द से जल्द एक्शन में ले और इस कार्रवाई को जल्द से जल्द करे और उन लड़कों को अरेस्ट करे जितना जल्द से जल्द हो। बिहार सरकार अगर इस पर सुनवाई नहीं करती है तो हम लोग इस मामले को आगे तक लेके जाने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी MIM टीम, अभी हम लोग पूर्वी चंपारण से इकराम उधक साहब मुन्ना, हमारे जमाल भाई और चकिया के भी MIM के टीम के बहुत सारे लड़के मौजूद हैं। अभी कुछ लोग थाने पे भी मौजूद हैं FIR कराने के लिए। बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले को एक्शन में ले और इस बच्चे को न्याय दिलाने का काम करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान किसी की अपनी जागीर नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को बोल करके ला इला इल्लल्लाह पढ़ने पे मजबूर करे, कोई किसी को रोक करके जबरन जय श्री राम पे मजबूर करे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो बिहार सरकार जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और इस मामले को जल्द से जल्द करवाई दे। जो घटना इसराइल साहब के साथ हुई है उस नौजवान ने मोतिहारी महसी थाना के अंदर, बहुत अफसोसनाक है। कोई धर्म नहीं सिखलाता है कि आप जबरदस्ती उस धार्मिक नारा दें। बिहार में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है। मैं माननीय नीतीश जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर लगाम लगाएं, क्योंकि लॉकडाउन में अपराध की सीमा बढ़ गई है। तो हमें उम्मीद है कि इस पर विशेष देंगे। DGP साहब बहुत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। मैं DGP साहब से भी अनुरोध करता हूँ, क्योंकि बिहार पुलिस का एक मैसेज आया है कि यह मामला संज्ञान में ले लिए हैं। लेकिन ये घटना परसों की है और अभी तक थाना प्रभारी ने इस पर FIR नहीं किया था। ये बहुत ही चिंता का विषय है। यही ढिलाई आगे चल के नासूर बनता है। तो थाना प्रभारी पर आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। SP मोतिहारी से अनुरोध है करें। और जैसा कि इस्लाम सिखलाता है, लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन, यानी धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। तो नीतीश जी, जहां तक आप बात करते हैं न्याय के साथ विकास की, तो ये न्याय नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं अफसोस आता है कि आपका जो मिशन है, आप जो बोलते हैं, कथनी और करनी में अंतर है। और तेजस्वी यादव जी से भी मेरा अनुरोध है, आप लीडर ऑपोजिशन है, परसों की घटना है लेकिन अभी तक आप चुप्पी साधे हुए हैं। क्योंकि गोपालगंज में कुछ समस्याएं होती है तो आप बहुत चर्चा में आ जाते हैं। हर कुछ में राजनीति नहीं करना चाहिए। तेजस्वी जी, आपको अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनने का तमन्ना है तो बिहार के जनमानस के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन में जो आप गायब रहे बहुत ही अफसोस है। और अभी तक आपने महसी वाले मुद्दे पर कुछ नहीं बोला, ये भी अफसोसनाक है। तीसरी बात, अखिलेश सिंह जो है मोतिहारी के सांसद, राज्यसभा कांग्रेस पार्टी के सांसद है, अभी तक डॉक्टर अखिलेश सिंह ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस के इतने बड़े सांसद हैं तो उनको इस बात का संज्ञान लेना था। ये मामला परसों है। मैं MIM की टीम का, अशरफ अंसारी साहब का और पूरी टीम का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन्होंने तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेकर अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कहने पर तुरंत गए और उसको जो हॉस्पिटल में जो सेवाएं थी उसके लिए मदद के लिए खड़े रहे और थाना प्रभारी से भी मिले और वहां एप्लीकेशन दी। उम्मीद है कि बिहार सरकार ये कोशिश करेगी कि पूरे बिहार में ये कड़ा मैसेज जाए और जो भी थाना प्रभारी हो अगर लापरवाही करे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम रूल ऑफ द लॉ जानते हैं और हिंदुस्तान में अगर आदिल या इमरान या प्रदीप या सुनील कोई भी रहता है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान के अनुरूप रहता है, किसी का एहसान में नहीं रहता है। ये हिंदुस्तान हमारा है और ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है। तो जो लोग ये नफरत की राजनीति करते हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि नफरत बांटना कम कीजिए, मोहब्बत बांटिए। ये देश को उन्नति और प्रगति में ले जाना है, क्योंकि कोरोना का संकट ऐसे ही इस देश की जो वित्तीय स्थिति है ऐसे ही डामाडोल कर दिया है। तो नफरत मत बांटिए, अभी भी वक्त है, उसको उस पर विचार कीजिए। और बजरंग दल के लोगों से भी अनुरोध है कि आपने इतना अच्छा नाम तो दिया है लेकिन उस जितना नाम दिया उसका हरकत अच्छा होना चाहिए। आपके जो भी लोग जुड़े हुए थे, पता चल रहा है कि आपके संगठन के, उस पर कार्रवाई कीजिए। पर अफसोस होता है, बिहार सरकार का जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है और जो लापरवाही हुई है उस लापरवाही पर तुरंत एक्शन ले DGP बिहार और नीतीश जी संज्ञान ले और बिहार में कहीं नहीं होना चाहिए ये मामला, ताकि एक स्ट्रांग मैसेज जाए, स्ट्रांग मैसेज पूरे बिहार में जाए। शुक्रिया।